वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, विच इज़ फ्रॉम द टॉपिक पोजिशन ऑफ लाइन्स लाइन लाइन टू बोथ द रेफरेंस प्लेन से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि मैं आगे जितने भी वीडियो को अपलोड करूँगा आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे या उस पे आ जाएगा, ईमेल पे आ जाएगा आपका। तो देखते हैं क्वेश्चन आपको क्या बोला है। दिस क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 10 फ्रॉम द बुक एंडी भट्ट। और क्वेश्चन ऐसा है कि अ लाइन पी क्यू 100 mm लॉन्ग। लाइन का नाम क्या है? पी क्यू है, और उसका जो लेंथ आपको दिया क्वेश्चन दैट इज 100 mm लॉन्ग दे दिया है। तो दिस इज ट्रू लेंथ, ये आपको क्या दिया? ट्रू लेंथ दे दिया, दैट इज 100 mm दे दिया है। इज इंक्लाइंड एट 30 degree इन द एच पी। लाइन जो है वो क्या 30 degree इंक्लाइंड है, किससे? एच पी से इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे क्या करना, 30 degree एच पी से इंक्लाइंड, ओके। एंड 45 degree टू द वीपी। 45 degree क्या है? वीपी से इंक्लाइंड है। तो 5 angle हो जाएगा आपका, दिस इज 45 degree, ओके। इट्स मिड पॉइंट इज इन द वीपी एंड 20 mm अबव द एच पी। मान लीजिए आपका मिड पॉइंट का नाम क्या है? एम है। मान लीजिए पॉइंट क्या है? एम है। तो ये पॉइंट आपको लोकेशन यहाँ पर दे दी, दैट इज इट्स मिड पॉइंट इज इन द वीपी, है ना, इन द वीपी बोल दिया है। एंड 20 mm अबव एच पी, 20 mm जो है क्या है? एच पी के ऊपर में दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट एम्स लोकेशन। देखो, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन इफ एंड पी इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड क्यू इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे एक दो पॉइंट से अपना एक लाइन बनेगा, और उसमें आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि आपका एक पॉइंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और एक पॉइंट किसमें आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, आपको मैं एक लॉजिक बताऊंगा, आप उसी लॉजिक से बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही लिस्ट एफर्ट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखते हैं टेक्निक क्या है। तो पहला क्या करना, जो आपको सबसे बेसिक सा चीज रहती है, ड्रॉ एक्स वाई रेफरेंस लाइन। यहाँ पे आप क्या करें, देखो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट का लोकेशन दे, दैट इज पॉइंट एम विच इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी क्यू। तो यहाँ पर क्या करो, देखो इन द वीपी दिया है, तो लेट सपोज दिस पॉइंट इज एम, और यहाँ से देखो 20 mm अपन जब ऊपर चढ़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, है ना, एम डैश मिलेगा। तो यहाँ से 20 mm, है ना, यहाँ से 20 mm ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, एम डैश मिलेगा यहाँ पे, ओके। तो सिंस मुझे यहाँ पे एम डैश और यहाँ पे मुझे एम मिल गया है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू एक्स वाई रेफरेंस लाइन। यहाँ से ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एक एक्स वाई रेफरेंस लाइन का लाइन यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉन है, ओके। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे एंगल्स, है ना, क्योंकि देखो और तो कुछ यहाँ पे हमको दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये दो लाइन को, दो जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है उसी को हम यहाँ पे लेंगे। तो देखो थीटा क्या होता है, एच पी से एंगल बनता है, है ना। देखो यहाँ पे चूंकि हम यहाँ पे एम डैश लिखे हैं, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 degree एक एंगल लेंगे, है ना, और यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करेंगे, ओके। देखो एम इज द मिड पॉइंट, और मुझे पता है कि क्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पी जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं उसको लेके चलता हूँ और देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी क्यू, तो एम क्यू विल बी ऑफ 50 mm लेंथ। अगर पी क्यू आपको अगर 100 दिया तो एम क्यू, एम से क्यू, है ना, पी एम उसका क्या आएगा, तो वहाँ क्यू आएगा। तो पी एम अगर 50 का है तो एम से लेके पी तक क्यू तक कितना होगा आपका, 50 होगा। तो हम क्या करेंगे, एम क्यू का बना रहे फिलहाल, तो एम क्यू कितना बनेगा आपका, 50 mm का बनेगा। तो यहाँ तक के 50 mm का एक आर काटे, दिस इज क्यू वन डैश, दिस इज द ट्रू लेंथ। तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल थीटा, समझे। तो अगर क्यू डैश यहाँ बना तो क्यू डैश कहाँ बनेगा, ऑब्वियसली इसका कहीं पीछे तक बनेगा, ओके। और इसका जो रेफरेंस आएगा इसको कहाँ तक लेके आएंगे, अपोजिट के रेफरेंस तक लेके आएंगे। तो ये अपना क्या बन जाएगा, एम क्यू लेंथ जो है आपका एच पी से इंक्लाइंड है, और ये जो होगा आपका टॉप व्यू जो होगा आपका क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको क्या दिया, देखो 5 angle दिया, दैट इज हाउ मच, 45 degree इंक्लाइंड लाइन। तो देखो यहाँ पे 45 degree इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे लिखेंगे 5 angle। तो इसको जब आप काटोगे आर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आपका, ये Q
क्यू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज क्यू वन बेसिकली बिकॉज दिस इज अ ट्रू लेंथ, ओके। अगर क्यू वन यहाँ पे तो क्यू डैश क्यू कहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली कहीं पीछे तरफ आएगा, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो उसको हम क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे अपन ऊपर तक लेके आएंगे, क्योंकि वन लाइन इज इंक्लाइंड टू वी पी द फ्रंट व्यू रिड्यूसेस। तो ये आपका क्या बन जाएगा, दिस इज एम टू डैश, और ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज एम टू। तो देखो आपके पास ये लेंथ पता है, टॉप व्यू लेंथ है, और ये क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से हम ऐसा करेंगे, इसको ऐसा घुमा देंगे, तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, दिस इज क्यू। तो इसको अपन जब इससे ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करने पर आपको क्या मिलेगा, आप टॉप व्यू मिलेगा, है ना। तो ये एंगल क्या बनाएगा आपका, बीटा एंगल बनेगा। वैसे आपका करना है यहाँ से यहाँ तक, तो मेजर करना यहाँ से यहाँ मेजर करके यहाँ पे रखते हुए इसको ऐसे घुमा दो, इसको घुमाया सर। तो दिस इज क्यू डैश जॉइन दिस, दिस इज माई फ्रंट व्यू एंड दिस एंगल इज अल्फा। तो ये आपको देखो क्या है, हाफ पार्ट बन चुका है। हाफ पार्ट से हम क्या करेंगे, जस्ट उसको डबल कर देंगे। जैसे देखो ये एम डैश है अपना, क्या है, क्यू डैश है। तो अगर एम डैश यहाँ पे और क्यू डैश यहाँ पे, तो ऑब्वियसली पी डैश कहाँ पे होगा, इधर कहीं होगा। तो यहाँ से इस लाइन को आप एक्सटेंड करो, एक्सटेंड कर दिए, जितना ये पीछे है उतना ये आगे रहेगा। तो ये आपको क्या बन जाएगा, अगर ये क्यू डैश है तो दिस इज पी डैश, तो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन पी क्यू। वैसे ही अगर आपको टॉप व्यू ड्रॉ करना है पूरे का, तो चूंकि यहाँ पे एम दे दिया, यहाँ पे क्यू दे दिया है, तो अब क्या करना, यहां से पीछे मूव करना, इसी लाइन को पीछे मूव कराना, ठीक है। इतना हो गया आपका, जितना ये उतना ही आपका हो जाएगा। तो ये आपका अगर क्यू है तो आपका क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस पी क्यू इज द टॉप व्यू ऑफ द लेंथ 100। आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ, पी क्यू लेंथ जो दिया हुआ आपका, ये पी को क्या होगा आपका, टॉप व्यू जाएगा। और ये पी डैश जो होगा आपका, क्या होगा, ये टॉप फ्रंट व्यू हो जाएगा आपका। अच्छा, इतना होने के बाद आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे बाकी जो डेटा बचे हुए हैं, दैट इज अल्फा बीटा को आप यहाँ से मेजर करके यहाँ लिख लेना, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। फ्रंट व्यू के लिए आप यहाँ से यहाँ मेजर कर लो, जो लेंथ है उसको आप यहाँ प्लेस कर लेना। वैसे टॉप व्यू के लिए क्या करना, आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करना, जो लेंथ है उसको आप यहाँ प्लेस कर लेना, बस इतना आपको करना है यहाँ पे। तो आई थिंक मैं जो आपको इस वीडियो में समझा रहा था, आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। अभी तक के लिए थैंक यू।